फसलो स्तरे मगन जी गई गोद में पूछो आ बुदा किनी है तो पाग की दास में बैठी के आ थारे खमन राजा के मारो खमन हां थारो खमन मारे खमन ने कोई मार ही नहीं सके तो के थारो खमन ने थारो लक्ष्मण मारियो तो के लक्ष्मण तो मार ही नहीं सके के क्यों के लक्ष्मण मारो धर्म रो बाप है और एक बाप अपनी बेटी ने रंडा को कदी नहीं पैदाश के बाप दे पड़दा दो दे वो तो धर्म बाप दी तो सुलोस ना लक्ष्मण कने दान क्यों लागी कहीं कहीं अरे ऐसा गुना क्या मैंने कर डारा ऐसा गुना क्या मैंने कर डारा ये पिता ने पुत्री का घर उजाड़ा ऐसा गुना क्या मैंने कर डाला ये पिता ने पुत्री का घर वचन दिया कोई वचन निभाई वचन दिया कोई वचन निभाई रघुकुल रीत खाली नहीं जा करम गति खाली मगन जी सुनो पिताजी ऐसा क्या गुना मैंने कर डाला जो पिता ने पितरी पुत्री का घर उजाड़ा एक बाप बेटी ने रंडा बोली उन टाइम लक्ष्मण के बेटी थाने था नहीं ईरान हमारा वचन कहीं होएड़ा वचन लिया सो वचन निभाई कर्म गति खाली नहीं जाई जो कर्माली गति है वा खाली नहीं जावे सुनो सुना देखियो अठे दाड़ गड़ को हेलो राम जी कने और राम जी कने दान करन लागे ओ मेरे उमर मेरी कैसे कटे
मेरे तेरे ने तेरे तेरे दंत उम्र मेरी कैसे कटे बार बार और कहने लगी पहला जो पीवर तुम्हारी पीर रे हो होयो कोन दूजी राम जी अभी पता डाली तीजो मोयने तीजो रंडा पो और चौथी गोद खाली कोई छोटो काबरियो वेलो में हारे और ससुरा मेरा मेरा जन्म कहाँ पेरी अरे सुपा माग जगाया तेरी अरे रामचंद्र जी का चले दीदारा रामचंद्र जी का चले दीदारा ये कैसे जावे काली कैसे करते ससुरा मेरा ठाकुर काम तो कदी सूता नाग रोज तो छोटी मोटी बॉडियों मतलब है बेटो कालिंदर ना हाथ वाली वाली पर इन मूर्ख ने था नहीं है कि जिनो शब्द चले उनो वार खाली कर दी नाम चंद्र जी का चले उदारा उदारा तू तारा चले वो कैसे जावे खाली हैं पर प्रभु मामा कह रही है हैं क्यों कह रहे हैं आम अब क्या सुरती तड़े आवे रुकाले नहीं मार दियो ए राम मैंने तेरा क्या बिगाड़ा मेरे पति ने लक्ष्मण ने मारा कंचन काया कुछ काम की नहीं पड़ी सेजा खाली खाली हैं अब कहीं राम जी के जो होनार गति है भाई उन्हें टाल नहीं सके तो तुलसीदास लिखे हैं श्लोक राम तरस जाली खत्म करियो सब खत्म करने लगा अब रावण नंबर आयो तो रावण राम की मां राम 28 दिन चलियो 31 दिन
राम रो राम नो 31 दिन युद्ध चलियो तो 15वें दिन विभीषण भेद दीदी हो के भाई ने नाभि रमाय ने अमृत है और अमृत रमाय ने बाण बावला तो खत्म हो जाएगा। लेकिन राम जी बाण भावी विभीषण के बाप जी दिन खराब करो हां भी बाण बादो उन टाइम राम जी क्यों लागे बाहु की कर के क्यों क्या सुन मेरी बात विभीषण भाई साहब सुनो मेरे जिनके हृदय में सिया बस जाई जिनके हृदय में सिया बस जाई उन पर तोर तले उस पर जोर चले ना भाई और रावण हमें सीता जी को ध्यान धरे और सीता शक्ति है और शक्ति के ऊपर मारो जोर नहीं आता। फिर भी राम जी धड़ाधड़ बाण बावना आरू किया जिन टाइम रावण को ध्यान जगियो उन टाइम नाभि कावण में 3101 बाण लागो 3100 बाण लग्यो रघुराई 3100 बाण लगायो रघुराई दश कंदर होवे धराशा इकतीसों बाण चलायो रघुराई दश कंदर होवे धराशा और राम लक्ष्मण सब सामने गया तो राम जी कहो लक्ष्मण ने ए लक्ष्मण रावण बड़ो राजनीतिक है थाना अगर राजनीतिक विद्या ही नहीं है तो रावण का नजर तो लक्ष्मण जी जान हीरो के खड़ा हो रावण हम नहीं दी बात तो आई राम ने का कुछ सिखाया है राम जी के खड़ो खड़ो हीरो लेने के लिए कुछ पाने के लिए झुकना पड़ता है सामने पता है राम जी रावण पहचान गयो और शंकर भगवान रो अवतार बालाजी ने पहचान गयो देखो ये मारे हाथ में नहीं आया पर मार काटने दो बार है आई गई और राम जी ने कहा हां भाई राम जी ने कहा हे राम मैं हर जगह से तेरे से बड़ा हूं राशन कार्ड में देख ले थारा दुनिया जितनी नगरी नहीं आयो जाओ तो मारो एक लर राशन कार्ड है हवाला शक्ति में बड़ो देवता थर्रावे मां जाति में मैं तो ब्राह्मण हूं ज्ञान में ज्ञानी वेद पाठी हूं मन धन तो हो मेरा मैल है रोणी घणी है टाबर टिंगरी घणी है पर एक चीज नहीं है मारे पास इन कार्ड ने मारे हार हो कई होयो तो सुन मेरी बात कहे दशकंद सुनो रघुराई कहे दशकंद सुनो रघुराई तेरे जैसा मेरे नहीं भाई तेरे जैसा मेरे भाई अब रावण ने मार विभीषण ने राज लग दियो उन टाइम सबर पर एक सिंहासन अड़ो लक्ष्मण जी ने प्रश्न आ गया लक्ष्मण जी के राम जी अपने विभीषण वास्ते ही तो करियो हो और सिंहासन अपन दे को अपना अयोध्या में बढ़िया लाग राम जी के भाई देख अयोध्या में घणी बड़ो लाग और दे तो दे पर ना तो नहीं दे लेकिन पहला पूछो किने पूछो के हेंगो बूढ़ा तो अपना जामल जी है जामल जी ने पूछो
दामन दिन तो चोग भाई और सिंहासन ले सको या हां भाई सिंहासन ले सको या नहीं ले सको जण दामन जी कहे हे राम ओ चंदो निकलंग हो तो वो मारे दे दे अगस्त मुनि सा समुद्र पी गयो बोई दे दे समुद्र मंथन करियो कोई मारे दे दे हैं राव कहतुरे दो धड़ करिया भाई जगह मारे दे दे और सार दुख मारे दे दे पर एक चीज मारे को दे दे काई सुनो मेरी बात जामवंत कहे सुनो न दुराई जामवंत कहे सुनो न दुराई ये दियोला लिया नहीं दा अग्नि परी उठा शिया की कराई अग्नि परी उठा शिया की कराई सतरूप सीता राम ने पाए वजीरे सेना वापस अवधपुरी आई घर घर में वापस वजीरे बताई घर घर में वजीरे बताई महाराज जय हो कहवे हे राम दामन जी कहवे मारे दुख दुखड़ा है दुखड़ा पर एक चीज हम एक वचन बात सुन अपन कहे सब देख रहा है लेकिन एक चीज नहीं देख रही कहीं कहे दाम मंत्र सुनो रघुराई दीवड़ो दोन ली होनी दे मैं आज तक आ नहीं होनी के दोन दीवड़ो पातो ले लियो ओ ब्राह्मण है ना रामादेव जी ब्राह्मण ने दोन दीवड़न थे और थे पाच और सीता री अग्नि की परीक्षा एण वास्ते कराई कि जो माया री सीता ही बाउटे ही वापस अग्नि में प्रवेश होगी और असली सीताराम जी ने और अयोध्या आया और अटनु राज तिलक की तैयारी करने लगा जन गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी को मैं राज तिलक सिंहासन नहीं बैठो क्या क्यों 14 साल इंतजार किए बड़े मन के जो ब्रह्म हत्यारो हुए वो सिंहासन माते बैठो और मैंने एक अनजान निर्दोष आदमी की हत्या की कह रहा हूं निर्दोष कह रहा हूं नहीं हत्या निर्दोष करी राम निर्दोष है नहीं मेरे नजर में वो निर्दोष है कैसे कि आज रावण के मरण के पहले 17 दिन पहले रावण मेरे पिताश्री का श्राद्ध करने के लिए मेरे घर ब्राह्मण बन के आया और उसका श्राद्ध किया मैंने उसका भोजन कराया दक्षिणा दी और 17 दिन उसको मैंने मार दिया अब बताओ कौन है निर्दोष है कि नहीं है और भरत जी की गयो कि हे राम पहले मिले भाई पते के पहला मिले भाई भरत क्योंकि भरत ने कहा था पुष्प पंचवटी रमाई ने कि हे राम अगर 14 साल से एक मन भी ज्यादा हो गया ना तो तेरा भाई भरत तुम्हें नहीं मिलेगा और 14 साल तक नंदग्राम में जमीन रमाई ने होया और के कई ने पगे लागे हे मां तू मारी गुरु है अगर आलंगी जलई तने होनो पड़ियो लेकिन तू मारी गुरु अगर तू और दृढ़ नहीं रहती नहीं तो मारो भक्त और उद्धार नहीं कर पाई क्योंकि के कई ने शराब को दुर्वासा ऋषि रो बचपन में के कई दुर्वासा ऋषि रे बांसड़े रे बाद और मुंडो काळो कर दियो दुर्वासा खून आ गयो जणो वो मुंडो काळो करियो ने दुर्वासा रो बाप बोंडे ने बाद दुर्वासा रो चिटुड़ी आंगले खून आ गयो पचो हो चो आ तो कन्या बालक है अनजान और मैं ने बाद जणो दुर्वासा ऋषि कहे हे कन्या आज धार आंगली इतनी मजबूत होता लागे माथे पर भाकर पड़े पड़े थी कटक कोन जण बा रात्र दूरी रमाई ने गाली दी बाकी आंगले कही रे कोई दूरे कटदा आंगली दे दे नहीं तू असरा पर खंडड़ी और કાળો મુંડો મથે મારો કર્યો એ માટે તારો મુંડે માથે કાળી તો લાગેલા લેકિન આછો થને પ્રયાસ દે દે આવું આવું કારણે કાળી કરી દીધો ઠીક હે ઓર રામજીનો રાજ ચલે ગયો સબ અપના અપના વિભીક્ષણ વગેરે ભેટો લઈને આયા લેકિન હનુમાનજીને વિભીક્ષણ નવલખો હીરોની માળા દીની જોગો
બારોમજી દીધી હરમોજી હરમોજી બેડ પર પાગોડી માતે ભાટમ એક એક હીરો પોડે વિવેકસન કે બોંદરો કે પક્કો બાદ બાદ એને ઠાકો ની હીરે ની કિંમત કીધી પૂછે હરમાન જોવે કોઈ કે જો કઈ મેં આ જોઉં તો ઈડ મને માર રામજી હે યા નહીં જકેરા મેં રામજી બાત ચીત કામ કી ઓર જીર મેં રામજી ની બા કામ કી નહીં જણ પદ કહે કે તું એડો તું ઘમંડ કરે રહો ભગત રો થારી હૃદય મે હે કે નહીં ઓ ટેમ છાતી પાટ રામ રામ તારા દર્શન કરાયા જણ લાસ્ટ કડી હે પછી સમાપન હે જણ કહે तेरे जैसा राम भगत हुआ न वो सी मतवाला एक जरा सी बात कही पर सीना पाड़ दिखाता सीना पाड़ दिखाता भगत हुआ न होशी मतवाला तेरे जैसा राम भगत हुआ न होशी मतवाला एक जरा सी बात कही पर पाण दिखाता तेरे जैसा राम भगत हुआ न होशी मतवाला एक जरा सी बात के ऊपर सीना पार दिया बोलो रामचंद्र भगवान की आज शाम को रामदेव जी का जमा है आप सबको निमंत्रण है परमाना सुनाएंगे आपको जो आपने सुना भी होगा फिर भी बाबा के परमाने सात परमाने हैं जो सुनना चाहोगे आपको जरूर सुनाएंगे हम क्योंकि जगह जी बात जगह माते ऊपर अब दो मिनट के लिए हरि कीर्तन करेंगे हम सब हैं जो